नमस्कार, सत्य खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। गुजरात के भुज से एक बेहद शर्मनाक खबर सामने आई है। भुज में मौजूद श्री सहजानंद कॉलेज के प्रिंसिपल ने 68 लड़कियों के कपड़े उतरवाकर इस बात की जांच कराई है कि वे मासिक धर्म यानी पीरियड से गुजर रही हैं या नहीं। ये खबर गुजरात के एक स्थानीय मीडिया संस्थान में प्रकाशित होने के बाद सामने आई है। इस मीडिया संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार लड़कियों को कॉलेज में पीरियड्स के दौरान किसी भी अन्य छात्र या छात्रा से हाथ मिलाने या गले मिलने की भी अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही ये संदेश जारी किया गया है कि पास स्थित मंदिर में पीरियड से गुजर रही लड़कियां ना जाएं। मंदिर के बाहर भी बोर्ड लगाकर इस बात की सूचना दी जा रही है। इतना ही नहीं, लड़कियों को कॉलेज और मंदिर के रसोई से भी दूर रहने को कहा गया है। दरअसल श्री सहजानंद कॉलेज को स्वामी नारायण मंदिर के भक्त लोग मिलकर चलाते हैं। इस कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा है कि हमें शिकायत मिली थी कि पीरियड से गुजर रही लड़कियां कॉलेज में लोगों से हाथ मिला रही हैं और मंदिर के साथ साथ किचन में भी जा रही हैं। प्रिंसिपल ने इसे रोकने के लिए कॉलेज के स्टाफ के साथ मिलकर 68 लड़कियों के अंडरवियर उतार कर इस बात की जांच कराई है कि उनका मासिक धर्म चल रहा है या नहीं। इसके लिए कॉलेज स्टाफ लड़कियों को पहले वॉशरूम ले गए, फिर वहां उनके कपड़े उतरवाकर इसकी जांच की गई। एक लड़की ने स्थानीय मीडिया को बताया है कि इस तरह की जाति अक्सर इस कॉलेज में होती रहती है। एक लड़की ने शिकायत करते हुए कहा है कि इस घटना के बारे में हमारे माता पिता को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल किया जा रहा है। उनसे कॉलेज और मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बारे में पुलिस को ना बताया जाए। जब इस बारे में स्थानीय मीडिया ने कॉलेज और मंदिर की महिला ट्रस्टी और प्रिंसिपल से बात करनी चाही तो वो लोग उपलब्ध नहीं हुए। हालांकि दो ट्रस्टियों ने इस बात की जांच कराकर मामले में कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन भारत जैसे देश में इस तरह की घटनाएं अब आम हो चुकी हैं। ये वीडियो अगर आपने फेसबुक पर देखा है तो हमारे पेज को लाइक कीजिएगा, और ये वीडियो अगर आपने यूट्यूब पर देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। सत्य खबर, सत्य सटीक, बेबाक।